मिलते हैं हम लोगों से कि बादाम भी दूध भी पिलाए जाते हैं। नहीं बादाम नहीं मिलते पशुओं के खिलाने के, तो कहीं बहुत है। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे आपका ये झोटा फर्स्ट आया है आज के कंपटीशन में, तो क्या नाम है झोटे का और इसके अंदर क्या कुछ खासियत है, क्या क्वालिटी है? इसका नाम गोलू टू है जी। हाँ जी। जो गोलू वन वार दो उसके दादाजी हुआ करते। हाँ जी। हाँ। उससे इस देश में मैं तो कह सकता हूँ काफ़ी संताने हैं। हाँ। और मैं ये भी कह सकता हूँ जब भी कोई भी कंपटीशन हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे ऑल इंडिया का हो, भैंस हो चाहे ड्राई हो, चाहे मिल्क ब्यूटी हो, चाहे चार दर्द कटड़ा हो, यंग चाहे अडल्ट बोल हो, लगभग आज तक का मतलब 15-17 साल से उसी के बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड रहते हैं हर शो में। तो इसकी खासियत ये है जी, इसकी मदर का भी अच्छा रिकॉर्ड है। जो इसका बेटा हो, हमने पीसी 483 HLDB का था, वो गोलू वन का बेटा तो हमने सरकार को गिफ्ट किया था, तो ये उसी का बेटा है। तो इसकी कितनी हाइट है, कितनी लंबाई है? 5.5 फुट हाइट है, लेकिन जानवरों की पूछ समेत इसकी लंबाई मकती इसकी 14 फुट की है। वजन कितना है इसमें? 16 क्विंटल वजन है। तो कोई किसान यदि इस ब्रीड को लेना चाहे तो मेरे को वो लंदा नहीं सिमन ही लेते हैं। सिमन लेते हैं। हाँ सिमन। हाँ सिमन से काफ़ी इनकम हो जाती है, और जो 80 रुपये मांगा तो को देने के लिए तैयार नहीं। तो सिमन कितने में आप यहाँ सप्लाई करते हैं? अगर डॉक्टर लोग ले तो उनको 100 रुपया देना पड़ा, क्यों अगर जमींदार को फिर ज़्यादा पड़ेगा, अगर को डायरेक्ट लेगा तो 100। अलग अलग रेटें हैं, अलग अलग सिमन। जैसे आज किसान कोई सिमन लेना चाहे, आज से मैं कोई लिया तो मैं 500 सिमन फ्री दे देता हूँ, मेरे फार्म से ले आएगा। आप फ्री भी दे सकते? फ्री दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भारत तो सरकार ने मेरे को पद्मश्री अवार्ड दिया, इसी कार्य दिया है। तो आपका फ़ोन नंबर 98-131-6600 75। नाम नरेंद्र सिंह। कहाँ से हैं? डिडवाड़ी गाँव जी, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। आज जो ये कंपटीशन लगा है तो इसके बारे में बताएं। ये जो है पालड़ी पणियारा गांव मुर्रा विलेज है, ये हमारे क्षेत्र का सबसे पहला मुर्रा विलेज है, और यहाँ पर ये सभी तरह के पशुओं की पशु प्रदर्शनी की गई है, जिसमें गाय भैंस भेड़ बकरी जो है ना सभी तरह के पशुओं ने हिस्सा लिया है। और इसमें दूर दराज के हरियाणा के कम से कम भी 6-7 ज़िलों के पशुपालकों ने हिस्सा लिया है। और यहाँ पर आप देख ही रहेंगे चारों तरफ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी का, जो दादरी जो स्टेट लेवल के लाइव स्टॉक शो में जो झोटे ने इनाम प्राप्त किया था उसने भी यहाँ हिस्सा लिया है, तो वैसे भी हैं स्टेट लेवल पे जो इनाम जीती थी वो भी यहाँ पर आई हैं। और आप चारों तरफ देख सकते हैं पशु पालकों का भी करेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और हमने मेन मकसद यही इस जगह मेला लगाने का ये था कि यहाँ के पशुपालकों को भी हम जागरूक कर सकें, ताकि यहाँ के लोग भी आगे मेलों में जा कर के बड़े बड़े इनाम जीत सकें। और ब्रीड सुधार के ऊपर हमने संगोष्ठी की, कृषि विभाग के अधिकारियों को भी हमने कृषि विज्ञान केंद्र से बुलाया था, उन्होंने भी अपने इन लोगों को जागरूक किया। मुख्य रूप से हमने ये प्रोग्राम इसलिए किया कि किसान भाई और पशुपालक भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकें और अच्छे पशुपालन की तरफ ध्यान दे सकें और नस्ल सुधार पर विशेष रूप से किया जा सके। ये कार्यक्रम जो है ना श्री कृष्णा समाज सुधार एवं पशु पक्षी कल्याण सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया गया, और इसमें 1,11,000 रुपये के नकद इनाम जो है ना पशुपालकों को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों के द्वारा भी जो है ना कुछ इनाम प्रोत्साहित के रूप में मिनरल मिक्स और डीवार्मिंग की जैसी दवाइयाँ दी जा रही हैं। लेकिन कैश अवार्ड और जो मेमेंटो और सर्टिफिकेट्स जो श्री कृष्णा समाज सुधार एवं पशु पक्षी कल्याण समिति के द्वारा दी जा रही है, जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रामोतार जी भी यहाँ पर हाजिर हैं, हमारे महासचिव डॉक्टर सुमेर सिंह जी, और हमारी टीम पूरी जो है ना कि है। और इसमें मुख्य रूप से जो है ना कि सदस्यों के द्वारा ही ये। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। कहाँ से? मालडा पास। तो आपकी भैंस में जो क्या क्वालिटी है, कहाँ से लाए हैं और आज क्या स्थिति लाए थे? 25 किलो ये 2.5 साल की 30 लाख लंबा भाई है जो आज ये झोटा फर्स्ट को आया है। इसकी बेटी है जी। इसकी बेटी बेटी आज जो आ रहा दादरी भी आया था फर्स्ट, उनकी बेटी है जी। उनकी माँ खरीद के लिया था।